मंगलाचरण हेतु मन वृत्ति को एकाग्र करिए और संभव हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी करें, नेत्र बंद करें, एक लंबा श्वास गहरा भीतर भरें, बाहर छोड़ें, पुनः एक श्वास भरें लंबा, छोड़ें। अब जब श्वास भरें तो कोशिश करें कि वो लंबा हो और धीरे धीरे भरे, झटके से नहीं, जल्दी से नहीं। धीरे धीरे बाहर छोड़ें उसे। फिर से एक लें श्वास, ओम का उच्चारण सब लोग सस्वर और दीर्घ और उच्च आवाज में करेंगे। साहिब कबीर कह रहे हैं, अपने साहिब से मिल रहिए। कबीर साहिब परमात्मा के लिए भी उपयुक्त करते हैं और साहिब वो अपने गुरु के लिए भी कहते थे। तो साहिब का अर्थ गुरु भी है, ईश्वर भी है। ओ अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए।
साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। Thank you.
बात सुन रही है, चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है। जो कोई वादी बात बढ़ावे, चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है। अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है। ट्रेन भी खुश हो गई, ठीक टाइम पे बिगल बजाया उसने भी। दूसरी बार, तीसरी बार, शांति 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 तीन बार होती है ना, तूने चार बार कर दी। भगवान की अपार कृपा जब होती है तो चित्त में सत्संग के प्रति भाव जगता है, अन्यथा मनुष्य एक पशु की भांति सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है, चार दो बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन बूढ़ा होकर के मर जाता है। जो संपत्ति बनाता है, जो धन एकत्रित करता है, जो परिवार, जो कुनबा, जो मान इज्जत, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, वो सब यहीं की यहीं धरी की धरी रह जाती है। और फिर यूं ही चलता रहता है क्रम, एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मूर्खता बंद नहीं होती है, वही मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। व्हेन यू डू द सेम मिस्टेक अगेन यू आर अ फूल। मूर्ख आदमी वो है जो एक ही गलती को बार बार करता रहे। समझदार आदमी कभी कभी समझ ना पाया हो तो एक बार गलती करेगा, फिर सीख जाता है, फिर उसको कभी रिपीट नहीं करता। पर अगर वही गलती रिपीट करता रहे तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हो सकती है।
और ये बात तय है कि इस संसार में हमारा ये पहला जन्म नहीं है, ना आपका ये पहला जन्म है, ना ये मेरा पहला जन्म है। कई जन्म हो चुके हैं, ऐसे ही परिवार बनाया, शादी होती है, ऐसे ही बच्चे होते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, काम धंधा, चिंता, व्यवहार, दोस्त, मित्र, संबंधी, शत्रु, सबका लेन देन, कारोबार सब करते 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 बूढ़ा करके, कभी तो बुढ़ापे में, कभी तो जवानी में, और कभी तो बचपने में ही मर जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बालक है उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि हर बालक बुढ़ा होगा। यह हमारे पास कोई लिखित गारंटी नहीं है, किसी के बाप के पास भी नहीं है। जो बच्चे ने आज जन्म लिया है वो 90-80 साल तक जिंदा रहेगा या 9 ही दिन में मर जाएगा, न माँ बता सकती है जिसने जना है उस बच्चे को, न पिता बता सकता है जिसका अंश है वो, ना वो डॉक्टर बता सकता है जिसने जन्म कराया है, ना वो नर्स बता सकती है जिसने उस बच्चे का नाड़ू को काटा है, नहला धुला करके उसे माँ को दिया है। कोई नहीं बता सकता कि ये बच्चा 9 पल भी जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। शरीर मिलता है नया हमको, अब कर्मज प्रारब्धवश उसकी आयु क्या होगी वो हर शरीर और हर जीव की अलग अलग होती। कोई वो हैं जो बहुत अल्प आयु में मर जाते हैं, और फिर मैंने देखे कुछ 90-95 साल के हो गए हैं और वो मुझे प्रार्थना कर रहे थे कि मौत मेरा रास्ता क्यों भूल गई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मौत मुझे आ नहीं रही है। शरीर चलता नहीं, उठ सकता नहीं, बैठ सकता नहीं, खा सकता नहीं, दिखता है नहीं, चीज़ें भूल जाती हैं, मल मूत्र कपड़ों में निकल जाता है। जब तक मैं बुलाऊँ किसी को, जब तक कोई आए मेरी सहायता को, ऐसा नरक मैं जी रहा हूँ, और मौत के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ और मृत्यु मुझे हो नहीं रही है, तो आशीर्वाद दीजिए कि मर जाऊँ मैं। फिर ऐसे देखे जो खूब भरपूर जवानी जीते हैं, खूब भरपूर संसार की ऐश करते हैं, भोग भोगते हैं, सुंदर वस्त्र, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर धन, और बड़ी अच्छी आयु पूरी करके, और फिर अकस्मात उनका एक दिन देहांत तो हो जाता है। फिर हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि सारी जिंदगी एड़ी रगड़ते रहते हैं, पैसा नहीं हाथ में आता है, सारी जिंदगी तकलीफ भोगते रहते हैं, इधर उधर तकते रहते हैं कि सहायता, कोई मदद मिल जाए, गरीबी में बदहाली में जीता है, मेहनत कम नहीं करता है पर कुछ हाथ नहीं आता, और उसी में बुढ़ा जाता है और फिर उसी में मर जाता है। हर मनुष्य की एक कहानी है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं एक एक करके सबसे कहने लगूं कि अपनी कहानी कहो मुझे, तो सबके पास एक बड़ी विलक्षण कहानी होगी। प्रश्न ये उठता है कि मानव जन्म जब मिलता है तो उसके लिए कोई लक्ष्य उसका है या नहीं है, या कि जैसे गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली पैदा हो गए बिना किसी कारण, बिना किसी लक्ष्य के, क्या मनुष्य भी ऐसे ही पैदा हो गया है बस टू डू नथिंग? इतनी श्रेष्ठ बुद्धि जो इस मनुष्य को प्रकृति ने दी है, वो किसी अर्थ तो दी होगी ना। किसी ने कहा, नहीं जी हमारे धर्म में तो पुनर्जन्म को मानते नहीं हैं, इस्लाम में नहीं मानते, ईसाइयत में नहीं मानते, यहूदियों में नहीं मानते, वो कहते नहीं एक ही जन्म होता है, हम मरते हैं और फिर हम अपनी कब्रों में पड़े रहते हैं, और द लास्ट फाइनल जजमेंट डे जब होगा तब कब्रें खुलेंगी और सब वापस से जिंदे होके खड़े से हो जाएंगे, और देवताओं के और मैंने दो फरिश्ते जो हैं वो आ जाएंगे, एक जो हमारे बुरे कर्मों का निर्णय करेंगे, एक जो हमारे अच्छे कर्मों का निर्णय करेंगे।
तो जहाँ अच्छे कर्म किए हैं तो वो सब जन्नत में जाएंगे, जिनने बुरे कर्म किए हैं वो सब जो है जहन्नुम में जाएंगे। तो एक ही जन्म होता है, दूसरा तीसरा होता ही नहीं है कोई। पर अजीब बात मालूम क्या है, वो ये कि विज्ञान का तुम्हारी आस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। आप विज्ञान को अपनी आस्थाओं के साथ नहीं देख सकते हो। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज देयर, तो वो सबके ऊपर एक सी है। माने धरती के अंदर जो शक्ति है जो हमें धरती से चिपका के रखती है, सच ये है अगर कहीं धरती का ये चुंबकीय शक्ति काम करनी बंद हो जाए, हम लोग सब आसमान से पार स्टेटोस्फीयर में, जहां ऑक्सीजन नहीं तो जैसे ही पार किया और अंतरिक्ष में गए तो सब शरीर चकनेचूर हो जाएंगे। तो धरती के ऊपर अगर हम हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। आप कहो जी हमारे धर्म की पुस्तक में तो ये लिखा ही नहीं है, हम नहीं मानते इसको। ठीक है भाई साहब, आपको हम चित्तौड़गढ़ की मीनार पे चढ़ा के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि आपके तो मानते नहीं ना गुरुत्वाकर्षण, तो फिर आपको तो कुछ होएगा ही नहीं। जो मानते हैं उनको तो धरती खींच लेगी अपनी और तुम तो उड़ते फिरोगे पंछी की तरह। भले कितनी गाली देता हो और भले कितना ये कहता हो कि हमारी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है, वो भी आदमी ऐसे किसी ऊंचाई पे जाके नीचे छलांग नहीं लगाएगा। इतनी अकल तो उसको भी काम कर रही है कि ऊपर से गिरा तो नीचे जमीन में ही जाऊंगा, हड्डी टूटेगी मेरी। अच्छा चलो कोई धार्मिक आदमी है, वो कहे ना जी हम तो धरती माता की पूजा करेंगे, पांडे जी को बुलाएंगे और पूजा करेंगे धरती माता की और कहेंगे हे धरती माता मैं जा रहा हूँ ऊपर बिल्डिंग पे, ऊपर से मैं नीचे मारूंगा छलांग तो देख फूल की तरह गोदी में रख लेना, तेरी एक कृपा हो जाए, जय जय धरती मैया। और पूजा पूरी करके धूप दीप अगरबत्ती ज्योति जगा के अक्षत लाली सब करके आरती गा के फिर चढ़ जाओ बहुत ऊंचे से और कूद जाना नीचे, धरती मैया क्या करेगी बोलो? तुम्हारी की गई पूजा किसी अर्थ नहीं आने वाली, कहीं करना बैठना ये काम। तो धरती का गुरुत्वाकर्षण है तो हम इसे समझे ना समझे, इसका विज्ञान क्या है जाने न जाने, हम सबके ऊपर अप्लाई होता है। ऐसे ही एक शरीर छूटने के बाद पुनः दूसरा शरीर होता है, ये भी एक विज्ञान है। इसमें आपकी आस्था का कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को जितने अच्छे से समझ सकते हैं उतने जल्दी इस बात को समझ लें। एक सूफी फकीर हुए तुर्की में, उनका नाम था रूमी। रूमी की जो मूलभूत कविताएं हैं, जो बहुत उनका बड़ा ग्रंथ है, वो तो फारसी में है। एक समय पर मुझे सूफी और ये क्या इनका साहित्य है, इनका क्या ज्ञान है, ये जानने की बहुत इच्छा हुई। तो मैं बहुत खोजती रही, यहाँ तो कुछ खास मिला नहीं, तो फिर हम तो तुर्की ही चले गए। और वहाँ जाकर के एक बार गए फिर दूसरे बार गए तो डेढ़ महीने में वहीं रही थी। वहाँ बहुत से फकीरों को मिले, भाषा की दिक्कत थी, वो अंग्रेजी नहीं जानते, हम उनकी भाषा तुर्की नहीं टर्किश नहीं जानते, तो थोड़ा बातचीत में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ईश्वर की ये भी बड़ी अपार लीला रही कि हमको अचानक से एक ऐसा आदमी मिला, तो हमें देख के उसने अभिवादन किया, हमने उसको किया, उसने पूछा कौन हो कहाँ से आए हो, तो हमने कहा हम तो भारत से आए हैं। वो भारत का नाम सुन के इतने खुश हो गया, इतना खुश हो गया, तो कहता लैंड ऑफ राज कपूर। मैं यस लैंड ऑफ राज कपूर, राज कपूर साहब के दीवाने हैं वो लोग, उनकी फिल्में इतनी देखते थे।
और तो और वो बाद में वो हमें अपने घर भी ले गया, और मतलब ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, बस ऐसे खड़े खड़े बातचीत हुई। उसने पूछा आप यहाँ घूमने आए हैं? मैंने घूमने नहीं आए, सीखने आए। ले क्या सीखना चाहते? मैं रूमी का फलसफा क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका साहित्य क्या है, मुझे वह सब जानना है। ठीक है, तो हम लोगों की मुलाकातें होने लगी। फिर ये सज्जन था जो हमारा गाइड बन गया, इसका नाम था, नाम है रिफित बाशर। रिफित हमारा मित्र हो गया और फिर इसने हमें घुमाना शुरू किया और ऐसी ऐसी जगह ले गया जहाँ आम आदमी की पहुँच शायद नहीं हो सकेगी। मैंने इसके ऊपर पूरी किताब एक लिखी, रूमी लव अफेयर, रूमी की प्रेम कथा। तो उसको पढ़ करके बहुत लोग तुर्की गए अपनी तरफ से, वो सब जगह देखने के लिए जिन जगह का मैंने जिक्र किया था। पर वो कई जो हैं वो कहते जी हमें तो वो सब चीज़ें, वो सब जगह मिली नहीं जो आप कह रहे थे। मैंने कहा भाई इसी को तो शायद ईश्वर कृपा कहते हैं। अनजान देश, अनजान भाषा। तो रूमी का जो साहित्य था, जो उनका सूफीवाद का ज्ञान था, उसको फिर मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो रूमी जो एक सूफी फकीर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मरो मरो उस खूबसूरत बादशाह के आगे। मरो माने अहंकार को मारो, कविता है ना तो इसमें गहन अर्थ होता है। मरो मरो उस खूबसूरत बादशाह के आगे। कौन है बादशाह? परमात्मा। कि तुम शक्तिशाली हो सको, मरो और उठो इस बादल में से, मरो और उठो इस बादल में से कि तुम चमकोगे सुंदरतम चांद की तरह। जो कल श्री कृष्ण ने बात कही थी ना, निर्ममो निरहंकार, जो निर्मम निर्ममता ममता रहित हो गया, जो अहंकार रहित हो गया, जो ईश्वर के द्वार पर समर्पित हो गया, वो पूर्ण हो जाता है। तो फिर तुम चमकोगे चांद की तरह। मौन रहो मौन रहो, कि मौन चिन्ह है मृत्यु का, और तुम्हारे मौन से जीवन शोर करेगा, जीवन शोर करेगा शहनाई से भी ज्यादा।